सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में सुनकर और जानकर हर दिल हैरान है। इस वक्त सुशांत केस में जांच को लेकर बिहार पुलिस भी शामिल हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही जांच को लेकर मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि मौत से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत ने पेनलेस डेथ यानी कि बिना दर्द की मौत के बारे में गूगल पर जानने की कोशिश की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस रिपोर्ट से इनकार किया है कि सुशांत की मौत से पहले वाली रात उनके घर कोई पार्टी हुई थी। इसके अलावा पुलिस के लड़ाई झगड़े की बात को गलत कहा गया है और बताया है कि इस केस में अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने यह भी कहा है कि सुशांत ने मौत से पहले जितनी चीजें गूगल पर सर्च की उनमें से एक पेनलेस डेथ भी था। पुलिस ने सुशांत के लैपटॉप और फोन से जानकारियां निकाल ली हैं, जिसमें एक्टर का वह मैसेज भी है जिसमें उन्होंने अपने वकील से ये पूछा है कि दिशा सालियन कौन है, पता लगाइए। बताया जा रहा है कि एक्टर सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा की खुदकुशी के बाद से वे काफी परेशान चल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं और बिहार पुलिस उनकी मौत को लेकर फॉर्मल जांच भी करेगी। बता दें कि मुंबई पुलिस को सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए 13 से 14 करोड़ रुपए का पता नहीं लग पाया है। पुलिस को अब तक इस बात के भी सबूत नहीं मिले थे कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले की जांच अब भी चल रही है कि फंड से कोई और कनेक्शन तो नहीं। पिछले सप्ताह सुशांत के सीए ने इस रिपोर्ट से इनकार किया था कि कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से रिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने अपने एफआईआर में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच की तकरार सामने आ रही है। बिहार पुलिस पहले से ही कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस ना तो उन्हें वाहन की सुविधा मुहैया करवा रही है और ना ही छानबीन करने के लिए अपने पुलिसकर्मी दे रही है। बिहार पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ करने के लिए ऑटो से जा रही है। पुलिस बल भी उन्हें बिहार से बुलाने पड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों की पुलिस के बीच तकरार का नया मामला सामने आया है। मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन कर दिया है। विनय तिवारी रविवार रात मुंबई पहुंचे थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने देर रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और एसपी विनय तिवारी के हाथ पर लगा क्वारंटीन की मोहर की तस्वीर भी शेयर की। उन्हें मुंबई में 15 अगस्त तक क्वारंटीन रहना होगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट में लिखा, आज आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी पुलिस टीम को लीड करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे थे, लेकिन रविवार रात 11 बजे बीएमसी अधिकारियों ने उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया है। उन्हें आईपीएस मेस में रहने की सुविधा नहीं दी गई। वे गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।